गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से पार्ट 20 इसका नाम सप्तर्षि विनामक शब्द। इसको सुत्तम विनामक शब्द भी कहते हैं। आइए आप जानते हैं इसे क्या है। सब रूपी विनामक सब का निर्माण इस प्रकार हुआ है। सब धन रूपी धन विनाम भी धन अर्थ। सब का अर्थ है समान रूपी अर्थ रूप से। भिन्न का अर्थ है अलग होना और अर्थ का तात्पर्य मायने अंतर। सर्वरूपी विनामक शब्द का तात्पर्य है एक रूप से एक प्रतीत होने वाले ऐसे शब्द जिनके रूप और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे कुछ शब्द जो सुनने में उच्चारण करने में बोलने में एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि वे भिन्न यानी कि अलग होते हैं। उनके अर्थ एवं रूप दोनों ही पूरी तरह से भिन्न होते हैं। जैसे अंबु, अंबु का मतलब होता है जल और अंब का मतलब होता है होता है माता। बारिक बारिक मतलब बादल और वारिक मतलब समुद्र। जो आपके इस बुक में दिया होगा आप उसको पढ़िएगा। अनिल मतलब आग और अनिल मतलब हवा। अपेक्षा आशा उपेक्षा अनादर। अनिल मतलब होता है बड़ी की मात्रा आती है तो सखी और अली जिसमें छोटी की मात्रा लगी होती है वो भावना होता है। आन मतलब होता है दूसरा और अन्न मतलब होता है अनाज। अविलंब अविलंब मतलब होता है शीघ्र। अवलंब मतलब होता है सहारा। अभिराम यानी कि मनोहर और अविराम का होता है निरंतर। जैसे आपके बुक में एक्सरसाइज भी इसी तरह का दिया गया है जिसे आप पढ़िएगा। यहाँ पे दिया है इसको आपको फील करना है। जैसे कोष सब समूह और कोष का मतलब होता है खजाना। कृति रचना जिसमें कृति में छोटी की मात्रा रहेगी और कृति में जब बड़ी की मात्रा होती है तो परिश्रम हो जाता है। संस्कृति सभ्यता संस्कृत एक भाषा का है। पावन यानी पवित्र पावन मतलब हवा। बात मतलब होता है बातचीत और वात मतलब होता है वायु। मूल मतलब जड़ और मूल्य मतलब कीमत। नियत निश्चित नियति मतलब भाग जिसे आप लोग अपनी कॉपी से अपनी बुक से व्याकरण में है उसे पढ़िएगा और सबको फील करना है और याद करिएगा। धन्यवाद।